शुद्ध दिन कौन को आवे मैं बता शु था एक जनो पूछ लियो बोलो 10 साल पुराण आचार गुण गला जी आए एक जनो करियो उपराध मास्टर हो गई बोलो मारकन लाजिया है बोलो मारकन लाजिया है 10 साल नहीं 12 साल पुराण आचार लाजिया है जब पूछ बड़ो बोलो थोड़ो गालो नहीं देने खावा खशोक हुए बोलो इया गाल तो ना तीन मना पुराणों को लाद तो मैं तो खुद ही डकड़ों को नहीं खोलियो तो इस संसार में मास्टर का जता शुदा दिन आवे हैगी जैसा कोई का ही को नहीं आवे एक मास्टर जी के सातवां वेतन लागो जना छोरा ने बोलियो बोलो बच्चों सातवां वेतन लग गया है आज से अपन चुपड़ी हुई रोटी खाएंगे अता दिन लुख ही खाता सातवां वेतन लाते हैं बोलो चुपड़ी हुई रोटी खाएंगे जा छोरा बोलियो मैं तो नाम ही सुनिया चौपड़ेड़ी को बापू जी चौकी बात है सातवां वेतन लागो जना आज चौपड़ेड़ी तो घसिया तो बोले बताओ बोले लो ठाउंडो की लेवा चना एक छोरो भाग्यो 5 किलाड़ी खेत ले यार पकड़ाई गुरुजी नटका बोलो ना दूसरा 10 किलाड़ी पकड़ाई गुरुजी नटका बोलो ना छोरा बोलो रे ड्रम बराड़ लिया सी के 220 लीटर वालो सातु वेतन ही तो लगी है अब गुरुजी काय करे कोरेक साली शिष्य ढूंढता फिरे खांसी वाली अब दादाजी की टेम की कोई लाइडी आड़ा दिवाली हम पड़ी जाड़ा जमेड़ी बिन धोनी चोर साफ करी प्रेमी सजनो अरे गुरुजी गया एक जाटा की डाणी के मां गीला बा अभी जाट को छोरो कहीं भी गुरु जी के पड़ेड़ो अरे ए मास्टर ने ओठा पड़ जाने के आप नु पड़ाड़ो छोरो नौकरी लागो पच माकड़ा छटे बियाली डाणी में जा ओ हो पूछो ही मत अब जाता है भी जाट राम रमी करी बोलो सातु वेतन लागो और चौधरी बोलो गीले बाया घी का कहीं भाव है बोलो घी का तो छसे का भाव है गुरु जी पर मारो छोरो तांगन पड़ेड़ो है मनोज और वो नौकरी लागो जम्मू कश्मीर भी की ड्यूटी है 550 रुपया ले शूता कनू अरे वाह मनोज नौकरी लग गया पहले ही पता था वो गांधी टाइप का आदमी था और बहुत होशियार था ऐसे वैसे करके भाई वो 550 का 500 कर दे किया भी कर माचा के ऊपर कणा दाउण का नहीं बैठे कणा छिराने बैठे गुरु जी या कीड़ी नगरा पर ऊंट करे जिया कर रही हो अब वो जाट बोले गुरुजी कोई बात को नहीं 500 लगा दियो घी का तो मन ठावड़ो कटे ना गुरुजी जेब महा दियो को एक साड़ी शीशी काटी वो जाट मन में विचार करियो हे सांवरा अत्तो घी तो आपने चूल्हा भीतर झापड़ी भीतर रोजी नहीं ढूंढे चौपड़ती टाइम सातु तो वेतन लागी अरे शीशी में गीले बाए आ तो 20 ग्राम की है पर जाट की सुनेड़ी ही के पात्र प्रीत पतंग रंग ताता मद की तार आंथ तरवी ऊत को धन अन जाता लागे नहीं बार इयान को दन क दे नहीं लेनो जो जीव दो राउंड दे आपा भैंस खरीदा तो अगला ना कांदे दारी जणी जो कीजिए ने वो 100 रुपया 5 देर के जाबाई दारी जणी जो तन बोलो इया ले जाओ थे आशीषी निमड़ जाए जना औरु ले जाजो पीसा को ले थांगनो जाट ना टा छेमना पहली को निमड़ा इया निमड़ा करे के छेमना पहली अब गुरुजी और ही ज्यादा राजी हुआ भी शिष्य ने भी डाणी मु टुल्या जना कस्बा लाग्या जो घरा पुग्यो त्याने बिल्डिंग कर दी डकना केर भी शीशी के अब जाता है गुरुवाणी जी रोटियां पोरिया छोरा ने हेलो पड़ो आओ बच्चों चुपड़ी हुई रोटी ले लो ना छोरा ले ले थाली रे भाग्या गुरुजी काई करे जी आई पहल सी की रोटी पड़ी छाबड़ी के मायने शीशी रगड़ दे ऊपर शीशी ने खोल ले कोनी अभी कांच को काई कर से सात पीढ़ी तानी रोटियां चौपड़े तो कोनी कर से बात अब गुरुजी चौपड़ रोटियां आपकी चौपड़ ले गुरुवाणी जी की चौपड़ दे और प्रेमी सजनों भी शिष्य अलमारी का माय मेलर ताड़ो देर कणकती के चाबी बंद डेढ़ मन्ना तानी रोटियां चौपड़ी भी तरीका हूं डेढ़ मन्ना बाद में छोरा का कुर्तिया उगाड़ उगाड़ देखे गए मंगर के भाई पोत काटे है कौन छोरा अब शिष्य रगड़ेड़ा को कहीं पोत काटे साइकोलॉजी आग लगी सुनावा को टेम आएगो गुरु जी की ड्यूटी लागी 5-4 को सागी बोटा के वास्ते पैदल गया जब 5-4 दिन लग गई बस में जाए तो रुपया लग जाए पैदल गया 5 दिन बाद में आया बात चाबी सा गिरेगी और अलमारी मरेगी बात शीशी जना आतो ही छोरा गन रोज नू रोयो एक थैली में तो अतीक सी चीनी अतीक सी चाय एक बोतल में अतो किराशनी तेलान कहीं बोटल टेम मिल रहा है बेटा स्कूल में ले 5-7 मास्टर हुए ने किलो खांड चीनी बच्चे आज मैंने एक जना को अंदर जाया को नहीं गाँव में कोई गरीब ने दे दिया बिकी पांती करार लिया भाई 100-100 ग्राम चीनी पांती आवांगे थैलियां लटका मेरी आंगलियां के मायने और घर आयो आतो छोरा रोजनु रोयो बेटा बा चाबी तो मार के रे गिर वो गिरे गो अलमारी के मायने ते तो लुखी खाई दी सी 5 दिन छोरा बोलो ना पिताजी लुखी को नहीं खाई तो बोलो अलमारी वाला कड़ंगे रगड़ ली ही गुरु जी दो ही मेल दी कणपटी के माये क्यों बोले 5 दिन तो लुखी को नहीं खा जाएगी
अत्ता दिन तो गाया सात वेतन नहीं लागत गाई करता तो सुधा दिन तो आवे देना देखो हवे बंका अपन ध्यान गांगा सुधा दिन को नहीं आवे।